आगामी 2019 के लोकसभा चुनावों के तहत राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। गुरुवार को जहां समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हमला बोलकर न सिर्फ अधिकारियों का घेराव किया बल्कि उनके चेहरे पर कालिख भी पोती। हालांकि इस मामले को चुनावी मुद्दे का स्टंट माना जा रहा है। वहीं मथुरा में अपना खोया हुआ वजूद पाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और नेता जमकर पसीने बह रहे हैं। इसी के तहत राया विकास खंड के गांव कुहा में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में पोल खोल धावा बोल का अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद हाथरस प्रभारी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष रामवीर भरंगर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी के नेतृत्व में पोल खोल धावा बोल अभियान के तहत डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के प्रति हर समय हर संभव किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। वहीं रामवीर सिंह भरंगर ने अपने विचार रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों के समय बीजेपी ने जनता से जो वायदे किए थे सब झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने बिजली की दर को लेकर कहा कि पहले जो बिल 500 रुपए का आता था अब वो 1500 रुपए का होता है। कुंवर नरेंद्र सिंह ने अपने विचारों में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जो अपने घर में जनता का सहयोग नहीं कर सकता उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने जनता को ये बताया कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी ने जनता से झूठ बोलकर जीत हासिल की। 2019 के चुनावों में जनता मुंह तोड़ जवाब दे। इसी बीच कुंवर नरेंद्र सिंह ने जनता से 2019 में होने वाले चुनाव में जयंत चौधरी को जिताकर लोकसभा में ले जाने की अपील की, तो वहीं हाथरस प्रभारी डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बीजेपी सरकार को जुमले की सरकार बताते हुए कहा कि मोदी ने मीडिया कर्मियों को अपने दबाव में ले रखा है। वहीं जयंत चौधरी ने जनता से आगामी 13 अगस्त को बिजली के खिलाफ आंदोलन कर बिजली घरों का घेराव करने की बात कही। बोल धावा बोल पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है गहलोत के नेतृत्व में किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे मथुरा के जनपद के आप देख रहे हैं कि हजारों हजारों की संख्या में बस गाड़ियों से निजी वाहनों से आ रहे हैं, क्योंकि बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, किसानों की कमर तोड़ दी है। जो कि एक किलो वाट का जो मिनिमम चार्ज था अप्रैल से पहले वो 207 रुपए था, वो 350 रुपए हो गया। 2 किलो वाट का जो 350 रुपए था वो आज 600 रुपए हो गया। किसानों का ट्यूबवेल का जो किराया मिनिमम आता था 900 रुपए, आज 1500 रुपए आ रहा है। तो ये जो सरकार है दिन पर दिन भ्रष्टाचार की तरफ है, कोई रोकने नहीं। इसलिए यहाँ पर जयंत चौधरी जी संबोधित करेंगे और ललकारेंगे सरकार को। इसके बाद 13 तारीख को हमारा मथुरा में जितने भी कार्यालय हैं इनके विद्युत के वहाँ पर घेराव प्रदर्शन किया जाएगा। तो माननीय चौधरी जी की यहाँ से कहाँ तक रैली से रैली नहीं आएगी, जो लोग रैली से आ रहे हैं काफी लोग रैली से आएंगे, यहीं पर सभा को संबोधित करेंगे।